राधे फेरन जी। फिर आज मैं लेके आई हूँ करेले की सब्जी, जो आप इस टेक्निक से बनाओगे ना फ्रेंड, तो बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। इसमें ना ये बच्चे भी खा सकते हैं, इस तरह का फ्लेवर आता है, बहुत ही टेस्टी लगती है। पराठे या पूरी के साथ आप खाइएगा, बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो फ्रेंड मैंने 4-5 जो करेले हैं, तो मैंने इनको ना कट करके साइड से कट कर लिया, और फिर इनको ना सारा ही जो ऊपर का ये सारा खुरच दिया था, ये देखिए जैसे मैं खुरच रहा हूँ इस टाइप से खुरच लेना है। और फिर खुरचने के बाद फ्रेंड इनको धो लिया मैंने अच्छी तरह से धो के, फिर इसको लंबे लंबे पीसेस में काटना है। तो फ्रेंड किसी एक करेले मेरे थोड़े से निकले थे बीज, तो वो मैंने निकाल दिए थे, और बाकी करेलों में बीज नहीं था, वो बारीक बारीक था। वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अच्छा लगता है फ्रेंड, क्योंकि बड़े बड़े मुँह में आते नहीं अच्छे लगते हैं। तो इनको ना लंबे लंबे पीसेस में काटे मैंने फ्रेंड, आप कोल में भी काट सकते हो, तो मैंने ये वाले पीस करे हैं। अब इसके बाद फ्रेंड आप आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो मैंने कुकर में रख डाला थोड़ा सा तेल, और फिर थोड़ा सा जब गर्म हो गया तो फिर मैंने थोड़ा सा जीरा डाला, और पिसी हुई दरदरी सी सौंफ रखी थी वो डाली, और फिर इसमें डाला फ्रेंड जो काट रखे थे मैंने करेले, वो इसमें ऐड कर दिए। अब इसमें ना थोड़ा सा मसाला भी डालना है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा डालना है। और चलाने के बाद फिर फ्रेंड थोड़ा सा लाल मिर्च और हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक, तो ये सब डाल के फ्रेंड अच्छे तरह से इसको मिक्स कर लेना है। और एक दो इसमें सीटी लगानी है फ्रेंड, ज़्यादा नहीं लगानी है, एक दो सीटी में अच्छे खासे गल जाएंगे। तो 2 सीटी के बाद मैंने खोला तो बहुत अच्छा गल चुके थे। तो ये देखिए फ्रेंड काफ़ी अच्छे से गल गए थे। और अब मैंने ना एक रख ली कढ़ाई, तो उसमें डाला मैंने सरसों का तेल। सरसों के तेल इसमें बनाइएगा तो बहुत अच्छा, क्योंकि करेला सरसों के तेल में अच्छा लगता है। और लंबी लंबी पतली पतली मैंने काट लगे थे प्याज के स्लाइसेस, तो वो मैंने ऐड कर दिए इसमें। और फिर जो करेले थे ना, वो जो कुकर में पकाए थे, वो मैंने इसमें ऐड किया। अब इसको थोड़ा सा ना पकाना है, इसको थोड़ा चलाते हुए थोड़ा ढक के मतलब फ्राई करना है। जब दोनों चीज़ें ना अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगी, तब फ्रेंड बहुत अच्छा लगता है। फिर इसके बाद जब ये हल्की फ्राई होगी ना, तब फ्रेंड मैंने मसाला डाला, तो इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और फ्रेंड इसमें डाले मैंने धनिया के 2 स्पून, और फ्रेंड थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, और इसमें उसके भी 2 स्पून डाले हैं मैंने ये पिसी हुई सौंफ के। तो फ्रेंड अब इसको अच्छी तरह से, और नमक टेस्ट के अनुसार डालेगा फ्रेंड, ज़्यादा नमक क्योंकि इसमें पहले भी नमक पड़ चुका है, तो आप हिसाब से डालिएगा। और फिर फ्रेंड इसको ना चला के, और थोड़ा सा ना इसको ढक के पकाना है, थोड़ा ढक के ना बहुत अच्छा सा पक जाता है, जो थोड़ा बहुत कैसा रहना वो भी गल जाएगा। ये देखिए सारा गल चुका है, और बहुत बढ़िया, देख तेल भी काफ़ी छोड़ दिया है। और फ्रेंड मैंने निकाल लिया इसे बाउल में, तो फ्रेंड बहुत ही अच्छा बना था। आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करेगा ये वाली रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय। जय श्री श्याम। राधे राधे।